गैरसैंण में आयोजित हो रहे विधानसभा सत्र से जहां जनता की कई उम्मीदें बंधी हुई हैं, तो वहीं वर्तमान सरकार का आखिरी सत्र होने के चलते कांग्रेस इसे खास बता रही है। उधर यूकेडी ने बीजेपी व कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए गैरसैंण सत्र को नेताओं के लिहाजे से महज एक पिकनिक स्पॉट करार दिया है। निश्चित रूप से ये परिणति जो आपको दिख रही है, जो एक्टिविटीज आपको गैरसैंण में दिख रही है, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का चिंतन, उनका उनका उनकी जो सोच है पहाड़ के प्रति, इस चीज को दर्शाती है। यूकेडी नेता भास्कर बहुगुणा का कहना है कि हर साल की तरह इस साल भी चुनावी घुमक्कड़ नेता लाखों रुपए खर्च कर सिर्फ अपने ऐसो ऐयाशी के लिए गैरसैंण निकले हैं, जो जनता की आंखों में धूल फांकते हुए वापस लौट आएंगे। जहां तक गैरसैंण सत्र का सवाल है, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय दलों ने जो है उत्तराखंड का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, और केवल अपने मौज के लिए, अपने आनंद के लिए ये उस सत्र को वहाँ पे प्रारंभ करवाते हैं और उसे वैसे ही समाप्त कर देते हैं। कार्रवाई आगे कुछ नहीं हो सकती। फिर भी जो है हमारा यूकेडी का जो आंदोलन है और गैरसैंण को जो स्थायी राजधानी घोषित करने का जो हमारा मुद्दा है, वो बराबर चलता रहेगा और इस प्रयास में हम सफल भी होंगे। देवभूमि न्यूज़ के लिए पौड़ी से प्रदीप नेगी की रिपोर्ट।